नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको ट्रॉपिकल हाउस म्यूजिक की अरेंजमेंट दिखाने वाला हूं और इस अरेंजमेंट में मैंने काफी सारे वेरिएशंस को यूज किया है। तो आपसे ये कहूंगा कि आप वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये अरेंजमेंट समझ में आएगी। दोस्तों, इस म्यूजिक को बनाने के लिए मैंने एक सैंपल पैक का यूज किया है जिसका नाम है काइगो एडिशन। सारे प्रीसेट जो भी मैंने यूज किए हैं वो अधिकतर इसी सैंपल पैक से यूज किए हैं, और जो भी लूप्स हैं या फिर सैंपल भी हैं, वन शॉट्स भी हैं, वो मैंने सारे इसी पैक के यूज किए हैं। आपको एक बार मैं इस पैक के बारे में डिटेल बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप ट्रॉपिकल हाउस म्यूजिक के लिए कोई सैंपल पैक ढूंढ रहे हो तो काइगो एडिशन आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। यहां पर कुछ साउंड मैं आपको इसके सुना देता हूं जल्दी से। यहां पर आपको ये सारे साउंड सीरम के प्रीसेट के रूप में मिलते हैं। इसके साथ आपको वन शॉट्स और लूप्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आज का म्यूजिक बनाने के लिए मैंने इसी सैंपल पैक का यूज किया है। अब जल्दी से मैं आपको एक बार ड्रॉप का साउंड कैसा आ रहा है वो सुनाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर जो बीट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहां पर किक और क्लैप का सिंपल मैंने पैटर्न यूज किया है। इसके साथ मैंने हेड के लूप्स को लगाया हुआ है। तो ये रहा हेड का पैटर्न जो मैंने यूज किया है। सभी मैंने काइगो एडिशन के यूज किए हैं सैंपल। एक मैंने क्रैश का साउंड यहां पर लगा दिया है। कुछ मैंने परकशंस और यूज किए हैं। और ये परकशन कौन से हैं? सारे काइगो एडिशन से परकशन 1, 2 और 4 यूज किए हैं मैंने यहां पर। साथ में मैंने परकशन सी और यूज किया है। तो अगर हम पूरी बीट को अभी सुनते हैं, अब सेकंड वाला पार्ट है जो ड्रॉप का, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाने के लिए मैंने एक लूप का यूज किया है। अब हम इस बीट को सुनते हैं। एक मैंने व्हाइट नॉइस का और यूज किया है। तो अब पूरी बीट कैसी हो जाती है? एक मैंने यहां पर फिल का यूज और किया है। तो एक कंप्लीट हमारी एक ट्रॉपिकल हाउस बीट बन चुकी है। सिंपल तरीके से आप देखो, ज्यादा अपन ने एलिमेंट्स का यूज नहीं किया है, कुछ परकशंस का अपन ने यूज कर लिया है, उसके साथ अपन ने बीट बना ली है। अब हम आ जाते हैं लीड पर। यहाँ पर लीड पर मैंने दो लेयर्स का यूज किया है। फर्स्ट प्लक ऑल अवे, उसके बाद मैंने लीड का प्रीसेट यूज किया है, लीड हैप्पी नाउ। ये दोनों एक साथ ऐसे सुनाई दे रहे हैं। इसके साथ मैंने पियानो का यूज किया हुआ है। ये पियानो भी मैंने इसी सैंपल पैक से लिया है। पियानो का प्रीसेट का नाम है पियानो बैटरमैन। आप देखो कि ये जो पियानो का पैटर्न है, इसमें मैंने ज्यादा नोट्स का यूज नहीं किया है। ट्रॉपिकल हाउस म्यूजिक ऐसा ही होता है जिसमें ज्यादा एनर्जी आपको नहीं चाहिए, सिंपल समर वाइब्स आपको चाहिए होती हैं। इसकी लेयरिंग मैंने करी है। यहाँ पर मैंने एक प्लक और सिंथ को जोड़ा है। प्लक वही है जो मैंने लीड के साथ लेयर किया था, प्लक ऑल अवे, और ये अभी कैसा सुनाई दे रहा है। इसके साथ मैंने सिंथ जोड़ा हुआ है। सिंथ के प्रीसेट का नाम है सिंथ सिंथेटिक। दोनों एक साथ कैसे सुनाई दे रहे हैं। तो ये था सिंथ और प्लक का पैटर्न। इसके साथ मैंने बेस प्ले किया हुआ है। इस बेस में मैंने लेयरिंग नहीं करी है क्योंकि मेरे को लेयरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही थी। बेस एनालॉग टेबल्स का यूज किया है, काइगो एडिशन में से ही है ये। साथ में मैंने कुछ परकशंस का यूज किया हुआ है यहाँ पर।
ये जो परकशन मैंने यूज किया है वो कश्मीर पैक में से यूज किया है। कोरस में मैंने एक गिटार का पैटर्न और यूज किया है। ये गिटार मैंने इलेक्ट्रिक सनबर्स्ट डीलक्स पर प्ले किया हुआ है। इसके साथ मैंने पैड का प्रीसेट और यूज किया है जिसका नाम है पैड ब्रोकन ग्लास। इसमें सिंपल मैंने कॉर्ड प्ले कर दिए हैं। अगेन ये काइगो एडिशन में से ही है। साथ साथ मैंने एक वायलिन का पैच और प्ले किया हुआ है। ये मैंने फ्लेक्स पर प्ले किया हुआ है। इसमें मैंने ग्रॉस बीट का यूज किया है और किक स्टार्ट दोनों का यूज किया है जिसके बाद ये ऐसा गेटेड साउंड आ रहा है। आई थिंक मैंने सारे साउंड कवर कर लिए हैं। हाँ, साथ साथ मैंने रिवर्स सिंबल का साउंड और यूज किया है, कुछ एफएक्ट्स का यूज किया हुआ है। अब देखो जो हमारी ड्रॉप है वो 8 बार में कंप्लीट हो गई, लेकिन मेरे को थोड़ा सा एक्सटेंड करनी थी। अब वहां पर हमें कुछ चेंजेस करने थे तो यहाँ पर मैंने ड्रॉप को ही चेंज कर दिया है। तो ये जो ड्रॉप में मैंने साउंड यूज किया है वो वॉक्स लीड का यूज किया है और इसके साथ वही प्लक वाला जो साउंड है प्लक ऑल अवे, इसको मैंने लेयर कर दिया है। तो इससे थोड़ा सा हमारी ड्रॉप में चेंजेस आ चुके हैं। ये एंड वाला हिस्सा है इसलिए बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने किक हटा दी है, कुछ बीट्स को हटा दिया है जिससे एनर्जी कम हो रही है। तो ये था हमारी मेन ड्रॉप वाला साउंड। अब इससे हम पहले चलते हैं तो हमें बिल्डअप वाला सेक्शन देखने को मिलता है। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक फ्लूट का लूप यूज किया हुआ है। ये जो लूप है मैंने इसको चॉप किया हुआ है और फिर अपना एक नया लूप बना के यूज किया है। ये लूप मैंने कश्मीर पैक में से यूज किया है। साथ में यहाँ पर आपको एक बूम वाला साउंड देखने को मिल रहा है, कुछ एफएक्ट्स और बाकी जो साउंड है वो आपको फिल्टरिंग के साथ सुनाई दे रहे हैं। एक लूप मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ये वही कॉरस वाला लूप है। साथ में बेस का साउंड, ये बेस का साउंड मैंने खुद ही ने सीरम पर प्ले कर दिया था, डिजाइन किया था। तो ये बेस वाला साउंड कुछ अलग नहीं है ज्यादा, बस 100 वेव का मैंने साउंड लिया है, उसे फिल्टर में डालकर मैंने थोड़ा सा कट ऑफ वैल्यू दे दिया है। यहाँ पर सिंथ और लीड के साउंड है और एक पैड का साउंड है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, और एक यहाँ पर स्नेयर का रोल जुड़ रहा है। तो इस तरीके से हमारा बिल्डअप वाला सेक्शन है, ये सेकंड पार्ट वाला बिल्डअप का सेक्शन है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इससे पहले चलते हैं तो यहां पर मैंने गिटार का यूज किया हुआ है। इलियाफिमोव का मैंने यूज किया है, ये रही मिडी फाइल। यहां पर मैंने स्नैप का साउंड और यूज किया है। साथ में आपको एक एम्बियंस में एक वोकल का साउंड सुनाई दे रहा होगा। यहां पर मैंने यूज किया है वोकल एटमॉस्फेयर पैक का, जिसमें मैंने डी माइनर पर एक वोकल है जिसको मैंने चॉप करके यूज किया हुआ है। दोस्तों ये जो वोकल सैंपल है मैंने लेंडर से डाउनलोड किया है। इस सैंपल पैक का नाम है वोकल एटमॉस्फेयर्स मूड्स एंड ड्रोन्स। यहाँ पर आपको बहुत सारे वोकल सैंपल्स और ड्रोन देखने को मिलेंगे जिनका यूज आप अपने म्यूजिक प्रोडक्शन में कर सकते हो। कुछ सैंपल्स मैं आपको और सुना देता हूँ। तो चलिए चलते हैं बैक टू द वर्क। अब हम दोस्तों हमारी फर्स्ट ड्रॉप पर आ जाते हैं। अब देखो सेकंड ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। ये है फर्स्ट ड्रॉप, और ये है सेकंड ड्रॉप। तो यहां पर आपको क्या डिफरेंस सुनाई दे रहा है, एक तो ये वायलिन वाला साउंड है, इसके साथ मैंने एक परकशन और जोड़ा हुआ है,
जो कि फर्स्ट ड्रॉप में मैंने नहीं जोड़ा हुआ है। तो आपको दोनों ड्रॉप में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो, पहले आप कंप्लीट एक ड्रॉप बना लो और उसमें से कुछ एलिमेंट्स को हटा के आप फर्स्ट ड्रॉप में रख दो। तो यही मैंने किया है यहाँ पर। दोस्तों सेकंड ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप के जो बिल्डअप है उस सेक्शन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस अब सुनाई देगा। जो फर्स्ट ड्रॉप है उसका बिल्डअप कुछ ऐसा है और सेकंड ड्रॉप का जो बिल्डअप है वो, तो डिफरेंस ये है कि वहां पर मैंने सेकंड ड्रॉप में मैंने फ्लूट का यूज किया हुआ है और फर्स्ट ड्रॉप में मैंने गिटार का यूज किया है। ये गिटार का लूप मैं आपको सेकंड ड्रॉप के सेक्शन में सुना चुका हूँ। यहाँ पर मैंने काफी और गिटार्स का भी यूज किया है, काफी और क्या, एक और गिटार रह गया है और वो कुछ ऐसा है। तो ये वाला जो गिटार मैंने प्ले किया है अगेन सनबर्स्ट डीलक्स मेलोडी पर यूज किया है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। ये जो वोकल बैक में चल रहा है, बेस चल रहा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने किक और स्नैप का साउंड और यूज किया है, शेकर का साउंड और जुड़ रहा है यहाँ पर। तो ये था कंप्लीट हमारा अरेंजमेंट। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया हो। मैंने काफी सारे इसमें चेंजेस जो किए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझाया हूं। तो देखो बेसिकली हमको करना क्या होता है कि जो हमारे ड्रॉप वाला सेक्शन होता है, फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप, उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, बिल्डअप में भी डिफरेंस होना चाहिए, साथ में जो वर्ड्स आता है उसमें भी हमको चेंजेस करते रहने चाहिए जिससे सुनने वाले को कुछ ना कुछ चेंजेस मिले। यूं नहीं कि सेम ही सेम चल रहा है। अब मैं आपको एक बार ये पूरा म्यूजिक सुना देता हूं।
आई होप दोस्तों आपको ये म्यूजिक पसंद आया होगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना आपको अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।